हेलो, कुणाल सियार फ्रॉम कुणाल चक्रधर फोटोग्राफी। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक आउटडोर ब्राइडल शूट डेमोन्स्ट्रेशन। शूट डेमोन्स्ट्रेशन में जाने के पहले मैं बता देता हूँ कि इस शूट में मैंने यूज़ किया था गोडस का एडी 200 180 सेमी अम्ब्रेला शॉट बॉक्स एंड निकॉन का D7200 मॉडल एंड 50mm 1.8G लेंस। चलिए आप कंप्यूटर स्क्रीन में जाते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन में जाने के पहले अगर आप इस चैनल में नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आप मिस ना करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो लाते रहूँगा। अगर थोड़ा नॉइज़ आ रहा है तो आप लोग बियर कर लीजिए, क्योंकि बाहर बारिश हो रहा है इसलिए नॉइज़ आ सकता है। तो इस शूट में मैंने वन लाइट यूज़ किया जो कि थे एडी 200। तो पहले हार्ड शूट के तरह इस शूट में भी मैंने एम्बियड एक्सपोजर को पहले ठीक करा। उसका सेटिंग्स था F2 शटर 1/125 एंड ISO 100 और मेरा वाइट बैलेंस था 4800 केल्विन। तो आप देख पा रहे कि इस सेटिंग्स में एम्बियंट एक्सपोजर ऐसा आ रहा था। हाँ, थोड़ा लाइट गिरा है फ्लैश का, वो मैंने लाइट चेक कर रहा था इसलिए। तो लाइट का पावर एकदम ही मिनिमल था जो कि थे 1/128। तो फ्लैश का पावर बढ़ाने के बाद 1/32 रखने के बाद एक्सपोजर ऐसा आया था जो कि काफ़ी डिज़ायरेबल थे। और ये पूरा का पूरा रॉ इमेज है। आफ्टर एडिटेड द इमेज वाज लुकिंग लाइक दिस। और एक चीज़, इस शूट में लाइट का पोजीशन था 45° एंगल फ्रॉम कैमरा राइट। तो इस शूट का ये सेकेंड पीक है जिसका लाइट पोजीशन आप लोग देख पा रहे हो कि अपर एंगल से बटरफ्लाई लाइट पैटर्न फॉलो करके ये सेटअप करा है। आप देख पा रहे हो कि नोज के नीचे एक शेडो क्रिएट हो रहा है, इसे हम बटरफ्लाई लाइट पोजीशन कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक्सपोजर था सेम सेटिंग्स इस वाले सेटिंग्स जो थे सेम के सेम सेटिंग्स थे। उस सेटिंग्स में ये पूरा का पूरा रॉय इमेज आया और आफ्टर एडिटेड आई अचीव दिस। और ये इस शूट का आखिरी इमेज है। इस पूरा शूट मैंने पूरा का पूरा गोल्डन आवर में शूट किया हूँ। तो इस वाले फोटो में भी आप लोग देख सकते हो कि लाइट का पोजीशन 45° एंगल से ही है फ्रॉम कैमरा राइट। और ये इसका सेटिंग्स था पूरा F2 शटर 1/125 एंड ISO 200। इस सेटिंग में ये फ़ोटो खींचा हूँ। तो ये पूरा का पूरा रॉ इमेज है और इसका भी व्हाइट बैलेंस 4800 केल्विन भी था। और इस इमेज को एडिट करने के बाद द इमेज लुक्स लाइक दिस। ये फ्रेम कंपोजिशन के लिए थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो कि इस फ्रेम में यहाँ पर मॉडल का जो फिंगर थे वो कट गया। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा मत करिए जब फ्रेम लेंगे मॉडल का, क्योंकि ये अच्छा नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब भी कोई फ़ोटो खींचे तो मॉडल का फिंगर मत कट कीजिए, वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। थैंक यू। हाँ, शूट डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे तो जाके फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप के पिक मेरे स्टोरी में फीचर करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करिए
बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक शूट डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। बाय।